हेलो गाइज, इंडियन ब्लॉगर रेखा तिरके चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अपने फैमिली का ख्याल अच्छी तरह से रख रहे होंगे। तो आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा क्लिप जो है कल शाम को हमने शूट किया था, टुक्कू जब खेलने गए थे तब का, क्योंकि वहीं पर मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो वहीं टुक्कू खेल रहे थे। अंदर अपलोड नहीं होता है, सही से स्लो होता है थोड़ा सा नेटवर्क, क्योंकि जो हमारा वाला घर है वो नीचे का फ्लोर है तो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होता है। तो बाहर अगर निकल जाओ थोड़ा जल्दी से अपलोड हो जाता है, तो बाहर निकलना ही पड़ता है, नहीं तो घंटों लग जाते हैं। तो टुक्कू खेल रहे थे, अपना साइकिल चला रहे थे और फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई है। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट है कल शाम 7:30 बजे से। ये आज के मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने रात को ही मूंग भिगो के रख दिया था, तब इसमें मैंने नमक डाल दिया है, एक सीटी लगा दूंगी। आज मैं फटाफट बनाने वाली हूँ सैंडविच, 10 मिनट में बन जाएगी। यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, इधर चाय भी रख दिया है बनने के लिए। तो दूध मैं बच्चों को दे दूँगी पीने के लिए, अभी बच्चे सो रहे हैं। तो अब इसमें मैंने चाय में चीनी डाल दिया है, तब तक हम लोग चाय पियेंगे। और ये चाय पत्ती है रियल गोल्ड की और इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मूंग हमारी उबल चुकी है, अब इसको निकाल देंगे। जब तक मूंग हमारी ठंडी हो रही थी तब तक मैं चाय भी पी ली थी और न्यूज़पेपर भी पढ़ ली थी। तो वापस से मैं किचन में आ गई हूँ। एक छोटी साइज का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। तो यहाँ हमारी मूंग ठंडी हो चुकी है, तो अभी ये लिया है मैंने काली मिर्च पाउडर और पिसी चीनी लिया है 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर बच्चे उठ चुके हैं और रेडी हो रहे हैं, उनको जो है मैं पपीता कट करके दे देती हूँ। तो आज उनको फ्रूट में मैं पपीता दे रही हूँ। तो उनके लंच बॉक्स में मैं कभी फ्रूट नहीं देती हूँ, क्योंकि कल आप लोगों को मैंने दिखाया था एक छोटा सा क्लिप, वो लोग घर पर ही नहीं खाते तो स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं खाएँगे, कोई फ्रूट नहीं खाते। और फ्रूट में कोई कलाकारी हम कर नहीं सकते, वैसे भी आधे घंटे बाद जो है कि फ्रूट ख़राब हो जाता है अगर काट के रख दो। तो एक दो बार ट्राई किया था फ्रूट्स देने के, मैंने कट करके दिया था, तो वो जो है थोड़ा बहुत इन लोगों ने खाया भी, पर ये एक रगड़ रगड़ के फ्रूट कटे हुए आपस में ही ना थोड़े से ख़राब दिखने भी लगते हैं। तो बच्चे वैसे भी खाने में बहुत उनके नखरे होते हैं तो नहीं खाते, वापस लेकर के आते हैं तो मुझे फेंकना ही पड़ता है, इसलिए हम लोग खुद खिला करके घर से तब भेजते हैं। तो देखना भी टुकड़ू नखरे कैसे खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें भी ये चूस कर करके खाएंगे, ये नहीं कि सारे खा लेंगे। तो अगर इनके पापा खिला रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो ये आधा खाकर आधा छोड़कर फिर चले जाते हैं। और आंसू तो अपना पूरा फिनिश कर लेते हैं, उनकी टेंशन नहीं होती मुझे। अब मैं फटाफट से बनाती हूँ लोगों का लंच। मैंने लिया है ब्रेड और बारीक कटी हुई प्याज, पिसी हुई चीनी, काली मिर्च पाउडर और पीनट बटर लिया है, और केचप लूँगी 1 बड़ा चम्मच और साबुत मूंग, इसको मैंने उबाल लिया है। और ब्रेड सेकने के लिए मैंने लिया है बटर। मैं अपनी वीडियो में सारी चीज़ बता देती हूँ क्लियर सारी में, कि क्या क्या मैं यूज कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे तवा गर्म हो रहा है और मैं सारी चीज़ों को साइड बाय साइड मिलाती भी रहूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और थोड़ा सा सुबह भागम भाग रहती है कि बच्चे का लंच बॉक्स कहीं छूट ना जाए, कहीं बस ना छूट जाए। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया, स्वादानुसार नमक डाला जाता है इसमें। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब जो मैंने क्यूब कट करके रखे थे बटर के वो डाल दिए हैं। यहाँ पे उलट पलट कर मैं ब्रेड सेक लूँगी। तो तवा ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने बीच में बंद कर दिए थे और फिर वापस से जला दिया है। तो ये भी इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। रोज़ सब्जियों का ही देती थी तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इससे क्या होता है कि बच्चों का भी उनको भी अच्छा लगता है खाने में। और
बोर भी नहीं होते हैं बच्चे और सब्जियों से उनका मन भी नहीं उगता। नहीं तो फिर कि मम्मी रोज़ सब्जी का ही सैंडविच, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और नया कुछ अच्छा ट्राई करती हूँ। और जो भी बनाती हूँ बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, पूरा जो है उनका लंच बॉक्स खाली आता है, तो उसको देख करके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो मूंग है वो तो पौष्टिक है और प्लस डाइजेस्टिव भी है, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पर पीनट बटर लगा रही हूँ तो थोड़ा ये चिपकता है, तो इसलिए संभल कर इसको स्प्रेड करना होता है, तो अच्छे से मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर मूंग का जो मिश्रण है उसको फैला दूंगी, फटाफट से बन जाने वाला मूंग का साबुत मूंग का ये सैंडविच है, इसको कोई भी खा सकता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव है और पौष्टिक भी है। तो अगर हो सके तो अंकुरित मूंग लेंगे तो और ज़्यादा इसके फायदे मिलते हैं, और अगर आप चाहें तो उसमें एक दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं जैसे कि हरा प्याज, हरा धनिया। तो मुझे आज कोई भी सब्जी नहीं डालना था तो मैंने सिर्फ एक प्याज बहुत छोटा सा वो बारीक कट करके डाल दिया है, और देखिए कितना बढ़िया जूसीला एकदम टेस्टी सैंडविच फटाफट से 10 मिनट में बन करके रेडी हो चुका। स्पैचुला से जो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ हल्का हल्का, इससे क्या होता है कि जो भी मिश्रण है अपनी जगह सेट हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आंसू को एक्स्ट्रा देती हूँ क्योंकि वो शेयर करते हैं। तो ये छोटे छोटे पाउच हैं केचप के, ये मैं मार्केट से लाते हैं, इनको वॉश करके कपड़े से पोंछ करके फिर मैं जो है डिब्बे में भर के रख देती हूँ। टुक्कू तो ले ही नहीं जाते, उनको तो पसंद नहीं है केचप वगैरह, तो उनको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो ये देखिए किचन की हालत देखिए, जबकि अभी लंच वगैरह कुछ नहीं बना, खाली सैंडविच ही बनी है और बच्चों का दूध वगैरह गर्म करके दिया, हम लोग अपनी चाय बनाए, उतने में ही देखिए कितना सारा किचन फैल गया क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है ना, तो जो जहाँ पड़ा रहता है मैं उठाती नहीं, अब सबको समेटूँगी मैं। ठंड में मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ, थोड़ा जल्दी कपड़े फैला देती हूँ क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत नाप तोल के करके आती हैं तो जल्दी फैलाना पड़ता है। देखिए बहुत हल्की हल्की धूप आई है तभी मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ। तो ये जो दीवारें दिख रही हैं इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर हैं, सरकारी आवास है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा भी है बहुत अच्छा है, बहुत सेफ्टी है। हम लोग हर ज़िला में नए घर ले नहीं सकते, ना तो रेंट पर ले सकते हैं ना तो ख़रीद सकते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाया है लेमन टी, सारा काम करने के बाद थोड़ी सी थकान तो लगती ही है, तो दूध ख़त्म था तो मैं सोची कि मैं दूध लेने जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। ये देखिए 11:30 बज रहा है, अभी 3 मिनट बचा हुआ है 11:30 बजने में, तो आज तो मैंने भाई उड़ उड़ के काम किया है इसलिए इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया, नहीं 10-5 मिनट बैठ के ब्रेक भी लेती थी सुबह चाय के टाइम पर, चाहे जो ले लिया था, तो बस उसके बाद तो मैं इतना काम किया ये समझ लीजिए कि उड़ के। तो काम सारा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने, थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दूँगी क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि टाइम से वीडियो अपलोड करने से ही रिच मिलती है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, जैसा कि मैं देख भी रही हूँ कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं शूट करती हूँ, फिर दोपहर से लेकर मैं शाम तक एडिट करती हूँ, फिर शाम को मैं अपलोड करती हूँ, पर उसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो आज मैंने कोशिश किया कि थोड़ा जल्दी अपलोड कर देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय एंजॉय करते करते एडिट करूँगी, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है कम से कम कमेंट करके बता दिया करें, और लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दो। और आज की वीडियो बस यहीं तक, मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। अब मैं मिलती हूँ कल, बाय।